कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर कर रही है, उसको लेकर जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मालवीय चौक में ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। जहां इस मौके पर कांग्रेस विधायक तरुण भानोट, उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना, बरगी विधायक संजय यादव, नगर अध्यक्ष व महापौर जगत बहादुर सिंह अनु समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भानोट ने भारतीय जनता पार्टी की हार पर कहा कि बजरंग बली ने भाजपा को सबक दिया है। वह इसी प्रकार धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटते रहेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि आज शनिवार बजरंग बली का विशेष दिन है और कांग्रेस पार्टी को बजरंग बली का आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी सही राह में चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बजरंग बली की कृपा से प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म संप्रदाय कहता है कि अपने धर्म के हिसाब से चलो और अपने संतों की बात मानो। मेरा धर्म दूसरों से बैर भाव रखना नहीं सिखाता है, लेकिन भाजपा धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ा रही है और चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन कर्नाटक में बजरंग बली ने भाजपा को सबक दिया, साथ ही कर्नाटक की जनता ने भाजपा के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की जिस ढंग से विजय हुई है, ये जीत जो है वो हिंदुस्तान की और कर्नाटक की जनता की जीत है। जिस तरह से कहते हैं ना, ईश्वर के यहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, और जो अति होती है उसका अंत होता है। जिस तरह का तानाशाही रवैया हिंदुस्तान में वर्तमान डबल इंजन सरकार चला रही थी, जनता को कुचलने का काम कर रही थी, ना डीजल का, ना पेट्रोल, ना महंगाई, बेरोजगारी, हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लेकिन हर चीज़ हंसी मजाक में उड़ा दी जा रही थी। और जिस तरह से हंसी मजाक ये डबल इंजन की सरकार जनता के साथ कर रही थी, उसी जनता ने आज इनको दिखा दिया है आईना कि आप लोग अंदाज और हवा बवा में नहीं रहें। जनता को काम करने वाले और ईमानदार लोग पसंद है, झूठ बोलने घोषणाएँ करने वालों को जनता पसंद नहीं करती। और जो हवा हवाई इनकी बातें थी, उसका अब असर जनता ने इनको आईना दिखा के इन्हीं को दिखा दिया। हम लोग सभी कांग्रेस के लोग और जबलपुर शहर के नागरिक भी यहाँ पे हैं, सभी लोग यहाँ पे देखिए मिठाई बांट रहे हैं। और कर्नाटक की जो कांग्रेस की विजय है, इस विजय को हम लोग आम नागरिक की विजय मान रहे हैं। जो हरे परेशान था महंगाई से, जो हमारा युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान था, महिलाएँ झूठी घोषणाओं से परेशान थी, ये हमारी उन सब जनता की जीत है। कर्नाटक की जनता ने पूरे देश की असली तस्वीर बता दी। एक संकेत है, कर्नाटक के जनमानस ने दिखा दिया कि नफरत की राजनीति और झूठ पाखंड और फरेब की राजनीति के दिन लग चुके हैं। अब हकीकत की जमीन क्या होती है, ये कर्नाटक के जनमानस ने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने छल प्रपंच करके कर्नाटक की सरकार को लूटा था, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार को लूटा था, उसी प्रकार से कर्नाटक की सरकार को लूटा था। मतलब स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय देश से भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब और नफरत की राजनीति की विदाई का है। ये इस चुनाव के रिजल्ट ने दिखा दिया।